बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम FSC ICS Part 1 Chapter 3 Lecture No. 9 है हमारा ऑनलाइन क्लास में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और टॉपिक हमारा चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हमने मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तीन बड़े इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इनको हमने डिस्कस करना है। जी, तो सामने आप देख रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ये हम अभी शुरू करने लगे हैं इसे। आपको इसके नाम से ही समझ आ रही है मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब प्रोजेक्टाइल अपनी टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा है, तो अगर आप गौर करें तो उसकी जो ये वाली हाइट है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा है। इस मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल एच का नाम दे देते हैं। उसके बाद जाहिर बात है प्रोजेक्टाइल वापस ज़मीन पर आके गिर जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम हाइट के या वर्टिकल डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू को कवर करने में कौन सी मोशन का रोल है। इसमें जाहिर बात है ऑब्वियसली इसमें वर्टिकल मोशन या वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का रोल है। तो इसमें फिर हम वर्टिकल मोशन को ही कंसिडर करेंगे, लेकिन इसमें एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें तो ये इस वक्त इनिशियल पॉइंट कंसिडर होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट कंसिडर होगा। अभी थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की जगह लिखना चाहूँ तो इस वक्त फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या आएगा, ज़ीरो। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, Vi sin of थीटा। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टेंस की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो वो जाहिर बात है वर्टिकल डिस्टेंस पुट करेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, तो वो -g के इक्वल है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसी तरह डिटर्मिनेशन इसकी किस तरह की जाएगी, इसकी डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप जी जी इसमें हम यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कौन सी मोशन के लिए लिखना है, वर्टिकल मोशन के लिए, यानी सारे जो वेक्टर्स हैं उनके वाई कंपोनेंट्स, सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। ए वाई की जगह हम पुट कर देंगे -g, वी आई वाई की जगह हम पुट करेंगे Vi sin थीटा, और इसी तरह VfY की जगह हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ। तो जब आप यहाँ ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा Ay की जगह -g पुट कर दिया, VfY की जगह ज़ीरो, ये मैं आपके पास आ गया। अब क्या होगा, यहाँ आएगा -2gh इज़ इक्वल टू -Vi² sin² थीटा। फिर ये नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2g है इसको आप दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये फाइनल फार्मूला आ जाएगा। ये है जी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पे तो कर ही रही है, साथ साइन फंक्शन पे कर रही है। साइन फंक्शन का यहाँ पर स्क्वायर है, और जी तो है ये ज़मीन के करीब करीब, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आज हमारा एम है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में गुजारेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपने जहन में रखना है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग ये सेम लेवल पर होना चाहिए। आज की जो हमारी डेरिवेशन है उसकी कंडीशन क्या है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग मस्ट बी एट द सेम लेवल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वो वाला टाइम जो टाइम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर प्लेस ऑफ लैंडिंग या प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल, ये देखिए एट द सेम लेवल लिखा हुआ है ना, तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एट द सेम लेवल वाली कंडीशन हमने इसलिए यूज़ की है क्योंकि इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमारी जो डेरिवेशन होगी वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। वो किस तरह से, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मेरे उसी क्वेश्चन का आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सी मोशन का रोल है, हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल का? इस बात का आंसर ये है कि टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ना तो हॉरिजॉन्टल पे ना वर्टिकल पे। तो फिर अब हम क्या करें, अब हम डेरिवेशन के लिए, जारी बात है हमने ये पहले भी बात की थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन या तो आप हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या वर्टिकल मोशन के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर अब हम किस तरह से यूज़ करें, तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अपनी मर्जी से चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यूज़ कर लें चाहे वर्टिकल के लिए कर लें। अब यहाँ पर हम वर्टिकल मोशन इसलिए कंसीडर करने लगे हैं क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए हमारी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी इस केस में। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पर फ़र्ज़ किए हैं। सेम लेवल पे फ़र्ज़ करने का मतलब क्या है कि वर्टिकली उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, वर्टिकली जिस लेवल से आपने उसको छोड़ा था दोबारा उसी लेवल पर आके गिर गया। ये चीज़ हमें फ़ायदा दे सकती है अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप वर्टिकल मोशन के लिए लिखेंगे, जब आप इसे वर्टिकल मोशन के लिए लिखेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, और वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। ये है सेम लेवल पे सपोज करने का फ़ायदा, इसीलिए हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लेवल को, पॉइंट ऑफ लैंडिंग को सेम लेवल पे फर्ज किया था ताकि हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जगह ज़ीरो पुट कर दें। बाकी वी आई वाई की जगह वही आप पुट करेंगे, वी आई साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी पुट कर दिया। इस तरह से आपके पास ये बन गया, ये नेगेटिव टर्म दूसरी तरफ ले गए और वी आई साइन थीटा इन टू टी, ठीक हो गया। अब एक टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टी इस टी से कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या करें, नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, आप इस टू को यहाँ मल्टीप्लाई करके जी को डिवाइड कर दें, यानी आपके पास बन जाएगा टू वी आई साइन थीटा इज़ इक्वल टू जी टी, और इस जी से भी डिवाइड कर दें तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला आ गया। नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें एक और चीज़ आप जहन में रखें कि ये है ना पूरा पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये है टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर आपसे ये कहा जाए कि ज़मीन के लेवल से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा है, तो वो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, यानी वी आई साइन थीटा ओवर जी। इसी तरह टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस आने में भी इतना ही टाइम लगेगा, वी आई साइन थीटा ओवर जी। और अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़े, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होगा, जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आएगा इन दोनों को ऐड करने से, और वो आ जाएगा 2vi वी साइन थीटा ओवर जी। और यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इसलिए आपसे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट अगर वो एमसीक्यू में पूछेगा तो आप इसका आंसर देंगे 2vi वी साइन थीटा ओवर जी। लेकिन अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो फिर सिर्फ vi आई साइन थीटा ओवर जी आएगा। इसी तरह
टाइम टू कम बैक फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट टू द ग्राउंड, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, सिर्फ वी आई साइन थीटा ओवर जी। लेकिन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या आंसर करेंगे, टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। इसके बाद है आपका थर्ड वाला पोर्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो थर्ड जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी आज के लेक्चर में, वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज जो है ये आपको इसके नाम से समझ आ रही होगी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम नाम देंगे रेंज का, और इस रेंज को हम जाहिर करते हैं कैपिटल आर के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ जिसे हम पहले एस कहते थे, फिर हमने उसे एक्स बोला, अब हम उसे आर बोलेंगे, और यही हमने फाइंड करना है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में जारी बात है हॉरिजॉन्टल मोशन का रोल है, तो इसलिए यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे। कौन सी मोशन कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। और जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, वैसे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब आप इसे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिखेंगे तो ये बन जाएगी, और ए एक्स की जगह हम जानते हैं ज़ीरो है, वी आई एक्स किसके इक्वल है, वी आई कॉस थीटा, और ये स्मॉल टी क्या चीज़ है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर यहाँ भी हमने यूज़ करना है, तो यहाँ भी सेम लेवल वाली कंडीशन यूज़ ज़रूर करनी है, क्योंकि ये फार्मूला हमने सेम लेवल के लिए कैलकुलेट किया हुआ है। एनीवेज यहाँ पर वी आई एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, वी आई कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह आपने क्या पुट कर दिया, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये जो दोनों वी आई हैं, एक ये वी आई और एक ये वी आई, ये दोनों वी आई जो हैं इनको स्क्वायर कर दें, मिलके स्क्वायर बन गए, और बाकी टू साइन थीटा कॉस थीटा इकट्ठा कर दिया, और ये जो टू साइन थीटा कॉस थीटा है, ये असल में मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है डबल एंगल आइडेंटिटी का, साइन टू थीटा। तो इसकी जगह आपने साइन टू थीटा लिख दिया। इस तरह से हमारे पास रेंज का जो फॉर्मूला आ गया वो है वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब आपसे अगर कोई ये कहे कि रेंज किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो हमें नज़र आ रहा है कि रेंज डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पे, साइन फंक्शन पे। अब साइन, ये साइन का स्क्वायर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ये साइन की सिंगल पावर है, लेकिन एंगल का डबल है, थीटा का डबल है। अगर आपसे कोई ये कहे कि रेंज का आंसर मैक्सिमम कब होगा, तो उसका आंसर क्या है, रेंज का आंसर मैक्सिमम कब होगा, जब आप साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करेंगे। हम जानते हैं साइन फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होती है, वन। यानी अगर मैं साइन टू थीटा को वन के इक्वल फर्ज कर लूँ और साइन को दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो टू थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स वन के, और साइन इनवर्स वन 90 डिग्री के इक्वल होता है। जब आप यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री होगा, तो फिर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, देन रेंज वुड बी मैक्सिमम फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 45 डिग्री। अगर अब दोबारा आप इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, इस 45 डिग्री को अगर दोबारा आप इसे 45 डिग्री को थीटा की जगह पुट कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन टू मल्टीप्लाइड बाय 45, टू मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय जी। तो साइन 90 हो गया ये, और साइन 90 क्या होता है, 1। तो आपके पास तो बाकी सिर्फ क्या बच गया, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी।
इसका मतलब है ये मैक्सिमम रेंज है, तो आप इसके साथ मैक्स लिख सकते हैं। नाउ दिस इज मैक्सिमम रेंज। तो अगर आप मैक्सिमम रेंज का ये वाला जो फॉर्मूला है इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर लें तो आपके पास ये शक्ल बन जाएगी फॉर्मूला की। ये कैसे बनी है? आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन 2 थीटा। ये है ना रेंज का जनरल फॉर्मूला। तो आपने इसकी जगह आर मैक्स लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया? आर मैक्स, क्योंकि ये आर मैक्स की वैल्यू है। तो इस तरह से आपके पास रेंज का ये तीसरा फॉर्मूला आ गया, आर मैक्स इंटू साइन 2 थीटा। तो अब मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि रेंज का पहला और जनरल फार्मूला क्या है। ये वाला रेंज का जनरल फार्मूला क्या है? ये वाला, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या है? ये। और तीसरा जो रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान फॉर्मूला है वो क्या है? ये वाला। ठीक है जी। तो ये था आपका टॉपिक, क्या बोलते हैं इसे, रेंज वाला। अच्छा, ये बीच में थोड़ा सा आप देख रहे हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये फॉर्मूला निकाल भी लिया गया है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये वैसे ही मैंने एक्स्ट्रा किया था। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें मैंने आपको फाइनल जो वैल्यू है वो बता दी है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो दिस इज़ मैक्सिमम रेंज या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं। ठीक है जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला है, ये मैक्सिमम हाइट वाला है। यहां हमने आज यहां से अपना लेक्चर शुरू किया था, फिर हम गए टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ, फिर हम गए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरफ, और फिर हमने ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके ये फाइनल हमने रिजल्ट निकाल लिया जी। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।